गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, बीए पार्ट थर्ड में अपना इतने दिन क्या चल रहा था, भारत का भूगोल, जो आपकी कौन सा पेपर है, सेकंड पेपर है। आज अपन फर्स्ट पेपर के बारे में, सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि किस हिसाब से या किस अकॉर्डिंग आपके पेपर है, फर्स्ट पेपर है, उसमें आपके क्या क्या लगता है, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है वो आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, यूनिट वाइज कौन कौन से यूनिट के अंदर आपके कौन कौन सा सिलेबस है इसके अंतर्गत आता है। तो अपन बात कर लेते हैं सिलेबस की। जो अपना भारत का भूगोल जो है आपका, वो आपका कौन सा है, सेकेंड पेपर है। बीए पार्ट आपके थर्ड के अंदर सेकेंड पार्ट है। जिस तरीके से आपका बीए फर्स्ट ईयर है, बीए सेकेंड ईयर है, उस अकॉर्डिंग आपकी दो बुक्स जो चलती हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में आपकी राजस्थान का भूगोल है, उसी के साथ आपका फर्स्ट पेपर है भौतिक भूगोल है, उसी के बाद में आपका सेकेंड ईयर में आप पढ़ चुके हो संसाधन भूगोल है और मानव भूगोल है। इसी आधार पे क्या है, आपके बीए पार्ट थर्ड के अंदर भी क्या है, दो बुक्स सम्मिलित की जाती हैं, जिसमें भारत का भूगोल सेकंड बुक है, जो मैंने आप लोगों को शुरू करवा दी है। लगभग उसमें टॉपिक मैंने करवाए हैं और उसके बाद मैंने आज अपन ने सेकंड जो फर्स्ट पेपर है, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, बुक का नाम है आपका विश्व का प्रादेशिक, विश्व का प्रादेशिक भूगोल। ये सिलेबस अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि कोई भी बुक है, कोई भी अपना सब्जेक्ट पढ़ने से पहले अपने पास सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस को देख के यूनिट वाइज आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंदर क्या है, सिलेबस की चर्चा करेंगे। और सिलेबस की चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पेपर है वो किस आधार पे आता है, कितने मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल के बारे में मैंने आप लोगों को जब आपका भारत का भूगोल है शुरू करवाया था, उस समय मैंने प्रैक्टिकल के बारे में भी बता दिया। आज अपना है विश्व का प्रादेशिक भूगोल। देखो, इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर क्या होता है, आपका 7.5 नंबर दो भागों के अंदर ये बटा हुआ होता है, ए और बी, और सेक्शन लिखा है आपका, सेक्शन है फर्स्ट, जैसे पहला जो क्वेश्चन आता है उसमें सेक्शन नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है, आपका पहला जो क्वेश्चन होता है वो सबके लिए करना अनिवार्य होता है, उसके लिए ऑप्शन नहीं होता है कि ये छोड़ना है। ये पहला जो क्वेश्चन आएगा वो सबके लिए अनिवार्य होगा, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर में किया है उसी आधार पे। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, 7.5 नंबर के आपका क्या आएगा, मानचित्र, ठीक है, विश्व का मानचित्र, मानचित्र किसका, विश्व का पूछते हैं, क्योंकि विश्व का लगता है आपके भारत का, तो भारत के में आएगा विश्व का, विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंदर विश्व का मानचित्र आएगा। तो 7.5 नंबर का तो आपके क्या होगा, मानचित्र आएगा, और 7.5 नंबर का ही आपके क्या होगा, जैसे एक शब्द दे दिया, ठीक है, कोई भी एक शब्द दे दिया, जैसे मान लो प्रादेशिक ही लिख दिया, ठीक है, प्रादेशिक लिख दिया। अब इसके बारे में आपको 10 से 15 शब्द के बारे में एक छोटी सी लाइन बना के लिखना है कि प्रादेशिक क्या होता है। ऐसे ही इसके अंदर आपके कुछ भी पूछ लिया कि आपकी कौन सी झील कोलोरेडो पठार है वो क्या है, तो इसके बारे में बताना है कि कहाँ है ये, कितने विस्तार के अंदर फैला हुआ है, तो इस तरीके से कोई भी एक शब्द दे देंगे। इन इस आधार पे क्या है, आपके शब्द हैं वो कितने दे के रखेंगे, 10 शब्द दे के रखेंगे, और 10 में से आपको क्या करने हैं, पांच पांच के बारे में लिखना है। तो
इस आधार पे क्या है, ये 7.5 नंबर का होगा और 5 जो शब्द दिए होंगे उनके बारे में 10 से 15 शब्द के अंदर आपको एक आंसर लिखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और 7.5 नंबर का आपका क्या है, मानचित्र है। और मानचित्र में भी आपके जैसे कहीं से कोई नदी पूछ ली, पठार पूछ लिया, या शीतोष्ण घास के मैदान पूछ लिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पूछ लिए, कुछ भी पूछ सकते हैं, उद्योग धंधों से संबंधित पूछ लिया, या आपका कोई भी पठार पूछ लिया, नदी पूछ ली, तो इस तरीके से क्या है, विश्व के मानचित्र के अंदर आपके क्या है, इस तरीके से ही क्या है, 10 जो जैसे नदियां पूछ ली, पठार पूछ लिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पूछ लिए, घास के मैदान पूछ लिए, इस तरीके से पूरे विश्व के अंदर आपको जो 10 आपके सिलेबस में जो लगते हैं वो क्या है, शब्द दे देंगे और उनमें से आपको 5 क्या है, भरने होते हैं मानचित्र में। ज्यादा टफ भी नहीं होते, क्योंकि जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी उसी आधार पे मानचित्र बना के आप लोगों को समझाती जाऊंगी, जिससे आप लोगों को आपका जो मानचित्र है जो आपके 7.5 मार्क्स का आता है वो भी आपका क्लियर होता रहेगा। तो इस आधार पे पहला क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा कि किस आधार पे आपको करना है। ठीक है, तो ये चीज है पहली। उसके बाद में आपके क्या है, सेक्शन होंगी, खंड बना के रखते हैं नो, उसके बाद आपके क्या है, क्वेश्चन होंगे। पहला तो ये हो गया, दूसरा 2, 3 और 4, ये 3 क्वेश्चन है ए खंड में से आएंगे, ए खंड। ठीक है, खंड ए। ठीक है, 5, 6, 7 ये क्या है, बी खंड में से। 8, 9 और 10 ये क्या है, सी खंड में से आएंगे। इस तरीके से क्या है, आपको एक एक क्वेश्चन हर प्रत्येक सेक्शन में से उठा लेना है। जैसे पहला तो अनिवार्य हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चन हो गए। करने कितने होते हैं, 5 करने होते हैं, 10 तुम्हारे आते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 हो गए। अब इसमें से क्या है, 2-2 क्वेश्चन है वो बच गए। अब इन 6 में से आप लोगों को जो अच्छा आता हो, अच्छे से उसके बारे में डिटेल में आप लोग बता सकते हैं, उसमें से 6 में से एक क्वेश्चन और उठा लेना है। तो इस तरीके से आपके पेपर है वो इस तरीके से करना है, समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी, पेपर के सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि आप भी अपना सिलेबस है वो साथ साथ नोट करते रहना। सबसे पहले खंड ए, ठीक है, सबसे पहले आपके आता है एशिया का भौतिक स्वरूप, एशिया का भौतिक स्वरूप। उसके बाद अपवाह तंत्र, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति के बाद आपका आता है मिट्टियां, किसकी चल रही है ये, एशिया की, एशिया महाद्वीप की क्या क्या चल रहे हैं। सबसे पहले तो एशिया महाद्वीप का क्या करना है, आपका भौतिक स्वरूप, यानी कि उसकी जो एशिया महाद्वीप है विश्व के अंदर कितने अक्षांशों में, कितने देशांतरों में, उसका स्वरूप है वो देखना। बाद में उसका अपवाह तंत्र, यानी कि कौन कौन से नदियां प्रवाहित हो रही हैं, अपवाह तंत्र। फिर जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कैसे वहाँ की मिट्टियाँ हैं, किस प्रकार की मिट्टी है, जलवायु है, मिट्टी है वो उपजाऊ है या अनुपजाऊ है, कौन से प्रकार की पाई जाती है, किस तरीके की मिट्टी है वो पाई जाती है। तो इस तरीके से क्या है, आपका इस सिलेबस के अंदर
पहला आता है, उसके बाद में आपका आता है दूसरा, इसी का उसके बाद जनसंख्या, जनसंख्या एवं महाद्वीप, जनसंख्या एवं महाद्वीप का सामान्य, का सामान्य आर्थिक, सामान्य आर्थिक आधार, ठीक है, किसके बारे में, वही जनसंख्या, आपके एशिया महाद्वीप की जनसंख्या, फिर महाद्वीप का सामान्य आर्थिक आधार, यानी कि कौन कौन से आर्थिक, आर्थिक के अंदर उद्योग धंधे हैं, किस प्रकार के कृषि कार्य है वो किया जाता है, ये सारे किसके अंदर पढ़ेंगे अपन, एशिया महाद्वीप के आर्थिक आधार के अंदर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आता है दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रादेशिक अध्ययन, दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी एशिया का, दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रादेशिक अध्ययन, दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रादेशिक अध्ययन, ये तो क्या था, एशिया था, और एशिया को भी क्या है, दक्षिणी पूर्वी, नीचे वाला और पूर्वी, इस तरीके से जिसके अंदर आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर क्या आते हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, आपका म्यांमार है, जापान है, चीन है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर, ये जो क्षेत्र किसके अंदर आते हैं, एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं, तो उनका क्या है, प्रादेशिक अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। उसके बाद में आता है अगला दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया का प्रादेशिक अध्ययन, का प्रादेशिक अध्ययन, ठीक है, ये तो क्या था आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया, और ये है आपका दक्षिणी पश्चिमी एशिया का प्रादेशिक अध्ययन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में आता है आपका यूरोप, यूरोप, यूरोप का भौतिक प्रारूप, भौतिक प्रारूप, यूरोप का भौतिक प्रारूप अपवाह है, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, उसके बाद मृदा, ये क्या है, यूरोप के बारे में अपन को जानकारी लेनी है, यूरोप का भौगोलिक प्रारूप, उसकी अपवाह प्रणाली, उसकी जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, और आपका यूरोप के अंदर कौन सी मृदा है वो पाई जाती है, कौन कौन सी मृदा का निर्माण है वो हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपका अगला आता है ये कौन सा सेक्शन चल रहा है अभी, फर्स्ट या ए सेक्शन ही चल रहा है अभी तक आपका, उसके बाद आएगा जनसंख्या, किसकी, यूरोप की जनसंख्या,
वह महाद्वीप जनसंख्या वह महाद्वीप यूरोप महाद्वीप के सामान्य आर्थिक सामान्य आर्थिक आधार ये क्या है आपका सिलेबस के अंदर है। यूरोप की जनसंख्या कि यूरोप के अंदर कितनी जनसंख्या पाई जाती है, कौन कौन से कार्य कौन कौन से आर्थिक कार्यों के अंदर किसको सम्मिलित किया जाता है, उद्योग धंधे हैं वो किस प्रकार से विकसित किए जाते हैं, कौन कौन से उद्योग धंधे हैं इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, आर्थिक कार्यों के अंदर किन किन को शामिल किया जाता है। उसके बाद में आपका आता है ब्रिटिश द्वीप समूह है, ब्रिटिश द्वीप समूह है का प्रादेशिक प्रादेशिक अध्ययन ठीक है। उसके बाद अगला आता है आपका प्रादेशिक अध्ययन के बाद में फ्रांस का प्रादेशिक अध्ययन, फ्रांस का प्रादेशिक अध्ययन ठीक है। उसके बाद अगला आता है आपका फ्रांस के बाद में जर्मनी का प्रादेशिक अध्ययन, जर्मनी का प्रादेशिक अध्ययन ठीक है। ये क्या है आपका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट खंड है, फर्स्ट सेक्शन है आपका यहां तक कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपका क्या है एशिया का प्रादेशिक अध्ययन, एशिया का प्रादेशिक अध्ययन के साथ में उसकी जनसंख्या, उसका आर्थिक विकास, उसकी मृदा, उसकी जलवायु, उसकी वनस्पति और जो जनसंख्या के साथ में आपकी वनस्पति के साथ में अपवाह तंत्र ये सारे क्या है एशिया के। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी एशिया के आपका क्या पूछा है प्रादेशिक अध्ययन पूछा गया है। उसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी एशिया का प्रादेशिक अध्ययन पूछा है। उसके बाद आपका यूरोप महाद्वीप पूछा है, यूरोप महाद्वीप का भी सेम वही चीज जो भौतिक स्वरूप के अंदर की भौतिक स्वरूप है वो कैसा है, उसके बाद में अपवाह तंत्र, उसके बाद में उसकी जलवायु, उसकी प्राकृतिक वनस्पति, उसकी मृदा है, जनसंख्या है, ये सारी चीजें क्या है यूरोप महाद्वीप की पूछी गई है। यूरोप के बाद में आपका आता है जनसंख्या, जनसंख्या और उसका आर्थिक स्वरूप किसका यूरोप का। उसके बाद में आपका आता है ब्रिटिश द्वीप समूह का प्रादेशिक, ब्रिटिश द्वीप समूह का प्रादेशिक अध्ययन आपका फ्रांस है, जर्मनी है, यानी कि ये किसके अंदर सम्मिलित है आपके यूरोप महाद्वीप के अंदर, तो ये यूरोप के अंदर अपन इनको पढ़ेंगे ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या है पहला सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा खंड है आपका खंड बे ठीक है, ये क्या है आपका खंड बी स्टार्ट हो गया है। उसमें आपका क्या है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका अमेरिका उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका का भौतिक प्रारूप उसी के साथ अपवाह तंत्र ठीक है किसका आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका।
दोनों का क्या है, भौतिक स्वरूप है पूछा गया है, और उसी के साथ साथ क्या पूछा गया है, आपका अपवाह तंत्र पूछा गया है। और आपका अपवाह तंत्र के बाद में क्या आएगा, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति और उसी के साथ मृदाएं, कि कौन कौन सी मृदा है यहाँ पे पाई जाती है। क्या क्या हो गया, उत्तरी अमेरिका का पहले तो भौतिक स्वरूप, फिर अपवाह तंत्र, फिर जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा, ये क्या है आपकी उत्तरी अमेरिका की। फिर उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका का भी वही भौतिक स्वरूप, अपवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा, सेम वही चीज आपकी क्या है, दक्षिणी अमेरिका की पूछी गई है। उसके बाद आता है आपका उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका का जनसंख्या एवं महाद्वीप का सामान्य आर्थिक आधार, ठीक है। उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका जनसंख्या के साथ साथ आपका क्या है, एवं महाद्वीप का सामान्य आर्थिक, एवं महाद्वीप का सामान्य आर्थिक, सामान्य आर्थिक आर्थिक आधार के उद्योग धंधे हैं या आर्थिक कार्य के अंदर किन किन को सम्मिलित किया जाता है, किसको आधार के रूप में शामिल किया जाता है, किस किस का, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की जनसंख्या, कितनी जनसंख्या पाई जाती है, कौन कौन से क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती, कौन से में कम पाई जाती है, पाए जाने का रीजन क्या है, और महाद्वीप का क्या है सामान्य आर्थिक आधार है, ये अपन क्या है इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आपका अगला आता है न्यू इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड का प्रादेशिक अध्ययन, न्यू इंग्लैंड का प्रादेशिक अध्ययन। उसके बाद अगला आता है ब्राजील का प्रादेशिक अध्ययन, ब्राजील का प्रादेशिक अध्ययन, ये आपका किस में आता है, सेकंड यूनिट में खंड बी के अंदर आता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, बी सेक्शन में अपन क्या पढ़ेंगे, बी सेक्शन का आपका उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा, और इन क्षेत्रों की क्या है, सबसे पहले उसका भौतिक स्वरूप है, देखने में कैसा है, इनमें कहाँ पे नदियां हैं, कहीं पे घाटियां हैं, इसका राजनीतिक स्वरूप भी पढ़ेंगे, और उसका क्या है अपन प्रादेशिक स्वरूप है वो भी पढ़ेंगे, कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर कौन कौन से आपके द्वीप पाए जाते हैं, नदियां बहती हैं, कौन कौन सी घाटियां निकलती हैं, कौन कौन सी खाड़ियां हैं, कौन से समुद्री भाग हैं, इस तरीके से क्या है अपन विश्व के प्रादेशिक भूगोल में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बारे में, स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपकी आती है अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र में जितनी भी
आपकी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो नदियां प्रवाहित होती हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ तक बहती हैं, ये सारी चीजें इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ पे जलवायु के आधार पे आपकी प्राकृतिक वनस्पति है वो किस रूप में पाई जाती है, और प्राकृतिक वनस्पति के ऊपर क्या है आपकी मृदा निर्भर करती है, तो मृदा है वो किस रूप में पाई जाती है, कौन कौन से प्रकार की मृदा यहाँ पे देखने को मिलती है, ये सारी चीजें किसके अंदर पढ़ेंगे अपन, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद में। फिर उसके बाद में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के अंदर अपन जनसंख्या है, जनसंख्या है उसका जो पालन पोषण है वो जो आर्थिक आधार है किस रूप के अंदर जनसंख्या का पालन पोषण है किया जाता है, जो आर्थिक आधार के अंदर किस किस को काम में लिया जाता है या किस किस को अपनाया जाता है, कौन से उद्योग धंधों को अपनाया जाता है, कृषि कार्य काम में ली जाती है, इस तरीके से क्या है आपका उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगला आता है आपका लास्ट खंड, ठीक है, खंड सी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड का भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप किस किस का, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भौतिक स्वरूप, उसके बाद में उसका अपवाह है, फिर जलवायु, वनस्पति, जलवायु, वनस्पति, मृदा, ये सारी चीजें किसकी पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया की भी पढ़ेंगे, न्यूजीलैंड की भी पढ़ेंगे। भौतिक स्वरूप के अंदर आपका ये क्या आ जाता है, आपका अपवाह तंत्र है, जलवायु है, वनस्पति है, मृदा है, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, आपके भौतिक स्वरूप के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड की जनसंख्या की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड की जनसंख्या एवं सामान्य सामान्य आर्थिक आधार, ये किसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जनसंख्या है वो किन आर्थिक जो आधार है उनको अपने जीवन के अंदर काम में लेती है, कि जनसंख्या का पालन पोषण के लिए आपके कृषि कार्य किए जाते हैं या कितने उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं, फसलें उगाई जाती हैं या कृषि कार्य किया जाता है, या इस तरीके से क्या है आपके न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपका क्या है बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंदर ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस के आधार पे अपन क्या है अध्ययन करेंगे, शुरुआत से अपन इनको पढ़ेंगे, जिस तरीके से भारत के भूगोल के बारे में अपन ने चर्चा की है, लगभग उसमें टॉपिक है मैंने करवाए हैं, और थोड़ा रह गया है वो थोड़ा इसमें करवा के फिर उसके बाद में बाकी जो बचा है वो भारत के बारे में करवा दूंगी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, अब देखो विश्व की अगर अपन चर्चा कर रहे हैं विश्व के भूगोल की, तो
तो सबसे पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए कि विश्व के अंदर कितने महाद्वीप और कितने महासागर हैं वो आते हैं। तो एशिया जो महाद्वीप है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का बताया है, यूरोप है आपका, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ये जो सारे किसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं? विश्व के अंदर। तो विश्व में आपके महाद्वीप कितने हैं? महाद्वीप 7 क्या है आपके महाद्वीप हैं। और महासागर की बात करते हैं तो वैसे तो बड़े तो 3 हैं, लेकिन काउंटिंग में आपके 5 क्या आते हैं, महाद्वीप महासागर हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। अब सबसे पहले अगर देखते हैं महाद्वीपों के बारे में, तो महाद्वीप कौन से हो गए, शुरुआत से अपन शुरू करते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में यूरोप, उसके बाद में एशिया, उसके बाद में आपका आता है अफ्रीका, उसके बाद में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका आपका क्या है, महाद्वीप के अंदर सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में आपका आता है आपका महासागर। महासागर है वो कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर या हिंद महासागर, आपका अंध महासागर या अंटार्कटिका महाद्वीप, महासागर। उसके बाद में आपका आता है हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इस तरीके से क्या है आपके 5 क्या लगते हैं, महासागर हैं वो लगते हैं। उसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं तो सिलेबस के आधार पे अपन सारी चीजें पढ़ते जाएंगे, जिसमें अपन सबसे पहले उठाएंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की अगर चर्चा करते हैं तो एशिया महाद्वीप है वो बहुत बड़ा महाद्वीप है, जिसमें क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो विश्व की आपके चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे आता है, चीन प्रथम स्थान पे आता है, और उसके बाद में कौन आता है आपका, भारत आता है जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जो आपके देश हैं वो कौन से महाद्वीप के अंदर आते हैं, आपके एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन से महाद्वीप के अंदर आपकी जनसंख्या है सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या है देखने को मिलती है। उसी के आधार पे क्या है आपकी जनसंख्या है, आपकी प्राकृतिक वनस्पति है, पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं, इसका स्वरूप है वो कैसा है ना, आपका भौगोलिक स्वरूप कैसा है, प्रादेशिक स्वरूप कैसा है, तो ये सारी चीजें अपन क्या है एशिया महाद्वीप के बारे में शुरू से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।